गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्नेहा, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। तो किस तरीके से मेथी के पराठे बनाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ले लिया है मैंने मेथी, उसको इस तरीके से चॉप कर लेना है। आपको बहुत फाइन चॉप करना है, मतलब पतला पतला आपको काट लेना है और धुल लेना है अच्छे से 4 से 5 पानी तक। फिर यहाँ पर मैं एक बोल ले रही हूँ, उसमें 2 कप मैं आटा, गेहूँ का आटा ले रही हूँ। आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आटा ले सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं अजवाइन डाल रही हूँ, थोड़ा सा हींग डालेंगे, फिर मैं यहाँ पे गार्लिक का पेस्ट डाल रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे मैं हल्दी डाल रही हूँ, ज्यादा आपको हल्दी नहीं डालनी, थोड़ी डालनी है। फिर मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार सॉल्ट यानी नमक डाल रही हूँ। कटी हुई मेथी डालेंगे जो हमने धुल कर रखी हुई थी, उसको 1 by 1 आटे में ट्रांसफर करेंगे और इसको हाथ की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। आपको पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी पहले हमने मेथी को धुल के रखा था तो ऑलरेडी गीली थी। तो आप ध्यान से थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा, ज़्यादा पानी आपको नहीं ऐड करना है ताकि आपका आटा जो है, डो है जो हमारा, गीला नहीं होना चाहिए। आपको मीडियम की रेंज में आटे को अच्छे से मारना है, ना ज़्यादा गीला होना चाहिए ना ज़्यादा सूखा, मतलब मीडियम रेंज में आपका आटा होना चाहिए। यहाँ पे 10 मिनट के लिए हम लोग इसको कवर करके रख देंगे रेस्ट करने के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी ऊपर से अप्लाई कर रही हूँ और थोड़ा सा ढक के मैंने रख दिया था। ऑलमोस्ट अब आटा यहाँ पे हो चुका है। अब यहाँ पे हैंड की हेल्प से हम लोग एक बार एक राउंड फिर से मार लेंगे आटे को। और यहाँ पे मैं एक सूखा आटा ले रही हूँ और आटे की लोई बना लेंगे जो आटा हमने मार के रखा था, और इसको हल्के हल्के हाथों से आपको प्रेस करना है। आपको बहुत तेज़ी से आपको नहीं मार बेलना है। इस तरीके से राउंड शेप में आपको पराठे को बेल लेना है। यहाँ पे मैं लोहे का तवा ले रही हूँ, उसको मैंने धीमी गैस पे गर्म होने के लिए पहले रख दिया था। अब इसको हम लोग पराठे को लोहे के तवे पे ट्रांसफर करेंगे और एक साइड तक जब पक जाएगा तो उसको हम लोग पलट लेंगे। मैं यहाँ पे घी अप्लाई कर रही हूँ, आपके पास ऑयल हो तो आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। आपको पूरे पराठे पे अच्छे से घी को अप्लाई करना है, दोनों साइड आपको घी अप्लाई करना है और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक, क्रिस्प होने तक आपको इसको लो फ्लेम पे दोनों साइड से सेकना है। इस तरीके से आपको पूरा गोल्डन ब्राउन जब आपका पराठा हो जाए, आपको दोनों साइड से अच्छे से लो फ्लेम पे सेकना है धीमे धीमे। इस तरीके से आपका पराठा हो जाए तो आप समझ लीजिए आपका पराठा रेडी है। यहाँ पे सर्व करेंगे किसी भी चटनी के साथ या कर्ड के साथ। आप इस
पराठे को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि ये वीडियो लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। ओके, बाय बाय।